सतीश पाल बलिया पहुंचे, जहां सतीश पाल ने मृतक पाल की बेटी की शादी का खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है। साथ ही दुर्जनपुर पीड़ित परिवार के सामने फोन से बात कर अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई का भी जायजा लिया। सतीश पाल ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद के आश्वासन के लिए परिवार के लिए सरकार से 1 करोड़ के मुआवजे की भी मांग रखी है। पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल के सामने परिवार की आंखों से दुख के आंसू छलक गए। अभी मैं आपसे बताया था ना, तो आप लोग जो आ चुके हैं यहाँ, संबंध में मेरा ये कहना है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। आप मानते हैं? और हाई कोर्ट के जज के देखरेख में कराई जाए, और अगर ये नहीं होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इसमें PIL कराऊंगा और अदालत से न्याय लूंगा। टीवी के माध्यम से देखा, मैं भी देखा कि इस तरह से उनका स्वागत किया गया, इसे बहुत मन दुखी हुआ कि एक तरफ तो हम अपने भाई के गम से बहुत पीड़ित थे और दूसरी तरफ सरकार की दोहरी नीति के कारण मुझे बहुत तकलीफ हुआ। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए KNews India।